Hello students, welcome. Your mind is everything. What you think, you become. आपका माइंड ही सब कुछ होता है. आप जैसे भी सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना, वैसे ही बन जाते हो. इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छा करो और आगे बढ़ो. आज का जो आपका क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं बताइए. और अक्सर YouTube पे बच्चे Google पे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, चाहे वो कक्षा 7 से लेकर के 10 तक में पढ़ रहे हैं, या वह CTET, SuperTET या फिर SSC, मतलब ग्रुप डी वगैरह कोई भी तैयारी कर रहे हैं. ये हर जगह पूछा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है, जो हम करेंगे यहाँ पर 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है. बच्चों देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5. तो बहुत ही सिंपल सा है. आप चाहे हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, सब कुछ सबको समझ में आएगा. दोनों लैंग्वेज में यूज करूँगा. ध्यान से देखो, सबसे पहले हम दोनों फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं, हल या सॉल्व कुछ भी लिख करके. फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी दी है 2/3 एंड सेकेंड 4/5. दो फ्रैक्शन मतलब टू भिन्न, एक प्रकार ऐसे बोल रहे हैं इसे, टू फ्रैक्शन आर गिवेन. ओके, इनके अगर आप डेनोमिनेटर देखो तो 3 हैं, इनके 5 हैं. यानी दोनों के जो हर हैं मतलब डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है. तो इनको हम इक्वल बनाएंगे. क्या करते हैं, पहली वाली भिन्न में दूसरी वाली भिन्न के हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे. ये याद रखना. तो ये 10 और ये 15 हो जाएगा. और यही प्रक्रिया हम इनके साथ भी करेंगे. पहली वाली भिन्न के हर से दूसरा वाला जो भिन्न है उसके हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे. चूंकि इसमें 3 है इसलिए 3 से. तो ये हो जाएगा 12/15. अब बच्चों अगर एक बात आप यहाँ पर ध्यान दो, तो आपका जो फ्रैक्शन हो गया 10/15 एंड 12/15, मतलब कि 10/15 और 12/15 के बीच में अब आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है. अब हम सबको पता है कि 10 और 12 के बीच में तो 5 संख्या होगी ही नहीं. 10 के बाद 11 आता है, फिर 12 आ जाता है, 5 है ही नहीं. फिर क्या करेंगे, अब इन्हें आप ऐसे समझो, हम इनके बीच में स्पेस बनाएंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं अभी बोलता कि 10/15 और 12/15 के बीच में बच्चा 5 परिमेय संख्या लिखो, तो तुम कहोगे तो गुरुजी होता ही नहीं है. लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि 10/15 और यहाँ पे 25/15 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो, तो तुम लिख सकते हो. कैसे, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 15/15, 16/15, ऐसे 25 तक, 24/15 तक हो जाएगा ना, मतलब 10 हो जाएंगी ना, 5 से ज़्यादा हो जाएंगी ना, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगी. तो लेकिन अब ऐसे तो बना नहीं लेंगे कि इसके बाद हम इसको बना लेंगे अपने आप. कोई प्रक्रिया करेंगे, मैथमेटिक्स का किसी रूल से चलेंगे तब होगा ना. तो हम क्या करेंगे, अब जो करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, हम पहली वाली भिन्न में आप लोग ये बताओ मुझे किससे गुणा करें कि मतलब जो अगला वाला नया भिन्न बने दोनों वो थोड़ा बड़ा हो जाए. जरा सोचो, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं फिर से. एक तो जो आपका बेसिक मेथड चलता है, हर कोई पढ़ाता है, वो ये पढ़ाता है कि अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो. ये तो एक अलग मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपका उत्तर माला नहीं मिलता. जो कक्षा 8 के बच्चे हैं, 9th के हैं, जिनका बुक से उत्तर मिलाते हैं उनका नहीं मिलता है, क्योंकि बुक वाले इस तरह से नहीं लगवाते हैं. तो जैसे बुक वाले लगवाते हैं मैं वो तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझो. तो बच्चों अगर इनको हम 6 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तब तो बड़े आराम से हो जाएगा, जल्दी से अभी उत्तर आ जाएगा. लेकिन वो उत्तर आपकी किताब में मैच नहीं खाता है. इसलिए हम क्या करेंगे, हम बस बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे जितने में ये निकल सके. तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करें ऊपर नीचे तो कितना बनेगा, जरा सोचो. अगर हम 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये 20 बनेगा ऊपर और ये बनेगा 24. क्यों भाई, सिर्फ ऊपर ही देखो अभी, नीचे नहीं. तो 2 से गुणा करोगे 10 में तो 20 हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे 12 में तो ये 24 हो जाएगा. यानी 20 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं हो सकती भाई. 20 और 24 के बीच में 21 22 23 3 ही तो हो रहा है ना, 21 22 23 इस तरह 3 हो रहा है. तो हम एक काम करते हैं, इनको हम 2 से नहीं बल्कि 3 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे. अब अगर तुम देखो तो 3 से गुणा करने पे ये हो जा रहा है, मतलब इतना स्पेस हो जा रहा है कि 5 संख्याएं आ सकती हैं. लेकिन अभी भी इसमें आपकी किताब का उत्तरमाला नहीं मिलेगा. मैं वो भी बता दूंगा उत्तरमाला कैसे मिलेगा, जो बच्चे परेशान होते हैं उत्तरमाला वाले, वो उस तरह से कर लेंगे. ठीक है, लेकिन हाँ ये आपका आंसर लाने के लिए इनाफ है ये तरीका. तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, गलत नहीं है, ये भी सही है, टेंशन मत लेना. अगर कोई मास्टर गलत काट देगा तो मुझसे बात करवाना. हाँ नंबर दिया गया है, हाँ हम बताएंगे, पूछेंगे. चलो ये ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो 30/45 और 36/45 भाई, 30 और 36 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः 30 बटा, यहाँ दिख रहा है ना,
30 बटा 45 व 36 बटा 45 के बीच में पांच परिमेय संख्या, तो इनको थोड़ा दूर दूर लिखो, इनके बीच में हम पांच संख्या आराम से लिख सकते हैं। बच्चों देखो, ये हो जाएगा आपका एक 31 बटा 45, दूसरा हो जाएगा 32 बटा 45, तीसरा हो जाएगा आपका 33 बटा 45, और ये 34 बटा 45, और ये 35 बटा 45। लेकिन अगर कक्षा 8 के बच्चों की बात करें, ये उनके बुक का क्वेश्चन नंबर 5वां है 1.2 का, तो उनका उत्तरमाला किताब से ये मैच नहीं खाता है, ये किताब से नहीं मैच खाता है। वो कैसे मैच खाएगा मैं वो भी अभी बता दे रहा हूँ, जाना नहीं कहीं, ठीक है। आंसर तो आपका ये हो गया, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी एग्जाम में कोई गलत नहीं काटने वाला है, ठीक है। ये तरीका सही है, उत्तर सही है, सब कुछ ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना बच्चों? हाँ भाई चलें, चलो दिख रहा है ना सही, क्लियर? हाँ चलो ठीक है, अब आगे समझो। ये अब इसको हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, बैक ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आप ध्यान से देखो अभी, जाना नहीं, सब कुछ समझ लो तब जाना। तो बच्चों करते क्या है ना भाई, जो आपकी किताब का उत्तरमाला मिलता है, उन्होंने इसको तीन से नहीं गुणा किया है, उन्होंने एक और बढ़ा के चार से गुणा किया है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ पांच ही संख्या निकल रही थी, तो उन्हें लगा नहीं ये तो उतना ही निकल रही जितना ज़रूरत है, तो ऐसा ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इसको पाँच चार से गुणा किया ऊपर नीचे। तो बच्चों इसको आप जब चार से गुणा करोगे बाबू, सब में बराबर ही करना, किसी में ज़्यादा कम नहीं, तो आपका ये बनेगा 40 बटा 60 और ये बनेगा 12 चौका 48 बटा 60। तो आपकी जो परिमेय संख्याएं निकलेंगी आप लिखोगे, अतः 40 बटा 60 व 48 बटा 60 के बीच में पांच परिमेय संख्या आप निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका 41 बटा 60, ये 42 बटा 60, ये 43 बटा 60 और ये 44 बटा 60 और ये 45 बटा 60। हाँ हो सकता है पांच संख्या लिखना था तो इन्होंने इधर से तीन लिखा हो, इधर से लिखा हो 47 बटा 60, 46 बटा 60 और 45 बटा 60, क्योंकि आप देखो 40 और 48 के बीच में सात संख्या हो रही ना बाबू, सात हो रही ना भाई, तो ये इसके बीच में कोई भी लिख सकते हैं कितनी, पांच संख्या, क्योंकि हमें पांच ही की ज़रूरत है, तो चाहे इसमें से कोई भी आप पांच लिख लो, चाहे तो ये आप इतना पांच लिख लो, चाहे इधर से दोनों ले लो, मतलब हो तो सात संख्या रही है, तो ये आपकी किताब में मैच खाता है। तो बच्चों ये क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बता दो तुरंत, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? हाँ चले फिर आगे बढ़ें, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह से बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। अगला देखो, तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे है बाबू, आप इसे खुद से करना और मुझे बताना, ठीक है। 1/3 एंड 1/7 के बीच में आपको तीन परिमेय संख्या निकालनी है, आप लोग करके मुझे कमेंट करके बताना इसके बारे में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखो आप सभी बच्चे PVR स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, इसमें आपको पूरा मैथ का सारा क्लास मिल जाएगा, सारे वीडियो हमारे एक तरफ से सिस्टम से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप PVR स्टडी चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पर भी लाइक करें, और Telegram पे सारी क्लासों के लिंक के लिए Telegram ऐप पर PVR स्टडी सर्च करें और फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नंबर पे संपर्क करिए, अगर कुछ भी आपको कहना है, कोई भी इंक्वायरी करना है। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, जो भी बातें हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि व्हाट्सएप या नंबर पे कोई सवाल नहीं बताया जाता, अगर कोई भी सवाल पूछना अपना सवाल कमेंट करो, हम अगली क्लास में आपका सवाल हल कर देंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट करो नीचे यूट्यूब में, और क्लास को लाइक करके और सब्सक्राइब करके, ठीक है ना बच्चों। जय हिंद।